Assalamu alaikum students, welcome back to Safi Maths. Today our topic is derivation of quadratic formula from standard form of quadratic equation. तो आज हम quadratic equation के standard form से quadratic formula derive करेंगे. तो quadratic equation से जब हम quadratic formula derive करते हैं तो हम जो method use करते हैं वो होता है completing square method. और students, completing square method हमने पिछले lecture में cover किया था, तो आए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वही मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप था उसमें था कि आप देखें कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. अगर नहीं है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, पर यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला में है. तो हम फर्स्ट स्टेप जो है स्किप करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आएंगे. तो सेकेंड स्टेप में था कि आप कांस्टेंट को मूव करें राइट साइड. तो लिखेंगे हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल प्लस सी है. प्लस सी को हम राइट साइड मूव करेंगे तो ये होगा माइनस सी. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड स्टेप था कि आप डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए. तो आए ए से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स, ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स अपान ए इक्वल माइनस सी अपान ए. ए ए में ख़त्म, बाकी मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स सेम इक्वल माइनस सी अपान ए भी सेम. ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद आएंगे फोर्थ स्टेप पे. तो फोर्थ स्टेप में था के एड वन अपान टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपान ए होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स. तो आए ऐसे सॉल्व करें, वन को बी से मल्टीप्लाई बी एंड टू को ए से मल्टीप्लाई तो टू ए. इन दोनों पे अगर हम मैं स्क्वायर करूं तो बी पर स्क्वायर करूंगा, हमें मिलेगा बी स्क्वायर. टू को ए से मल्टीप्लाई तो टू ए, टू ए पर स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा मुझे फोर ए स्क्वायर. ठीक है, तो बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे. सो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर इक्वल माइनस सी अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान फोर ए स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो स्टेप था कि लेफ्ट साइड पे आप स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करें एंड राइट साइड को सिंप्लीफाई करें. तो आए लेफ्ट साइड पे स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ये फर्स्ट का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स एंड लास्ट का स्क्वायर रूट. तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी एंड फोर ए स्क्वायर का टू ए होल स्क्वायर, देन प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट व्हिच इज बी अपान टू ए इक्वल ए एंड फोर ए स्क्वायर की हम एलसीएम लेंगे तो ये होगी फोर ए स्क्वायर. अब ए से अगर हम डिवाइड करें फोर ए स्क्वायर को तो बाकी बचेंगे हमें, बाकी मिलेंगे फोर ए. फोर ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए स्क्वायर. फोर ए स्क्वायर में ख़त्म, बाकी क्या मिला हमें बी स्क्वायर. तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये होगा एक्स प्लस बी अपान टू ए होल स्क्वायर और ये मिला हमें, मैं पॉजिटिव को पहले लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर ए स्क्वायर. उसके बाद लास्ट स्टेप था कि आप लेफ्ट साइड का स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें. तो लेफ्ट का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये होगा एक्स प्लस बी अपान टू ए एंड राइट साइड में हमें प्लस माइनस में स्क्वायर रूट मिलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स प्लस बी अपॉन टू ए सेम प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो हम क्या करेंगे इसे सेम लिखेंगे और अपान में फोर का स्क्वायर रूट यू नो वेरी वेल फोर का स्क्वायर रूट होता है टू एंड ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा. तो स्टूडेंट उसके बाद होगा एक्स
क्यू एल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपान टू ए सेम। ये प्लस बी अपान टू ए, प्लस बी अपान टू ए को राइट साइड मूव करेंगे तो माइनस बी अपान टू ए होगा। अब आए इसकी एलसीएम अगर लें हम तो एलसीएम लेगी हमें टू ए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद ये माइनस बी जो है पहले लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज़ अवर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इसे हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें से हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन था, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, ठीक है। तो इस वीडियो को वॉच करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। बाकी जो डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।